जब तक हमें ये नहीं महसूस हो जाता कि हम कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तब तक किसी के लाख कहने पर भी हम उस काम को बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते। कोई बेवजह इग्नोर कर रहा है तो उस पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो, अटेंशन देना बंद करो और बस परिणाम का इंतजार करो। आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं, यह तय करने में हमारे दिमाग को लगभग 90 सेकंड का समय लगता है। जो लोग जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं वे असल में बेहतर दोस्त बनते हैं। अधिक सोचना सहानुभूति के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरों की देखभाल करने की क्षमता उनमें सबसे अधिक होती है। समय देकर समय पर ना पहुंचने वाले लोग गंभीरता से नहीं लेते और उस इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा भंग हो जाती है। अगर रोते हुए इंसान को आप ज़्यादा समझाते हो और उसे ना रोने की सलाह देते हो तो ऐसी अवस्था में वो और ज़्यादा भावुक हो जाता है। बदतमीज इंसान को अच्छी सीख देने की भूल मत करें। उसे समझ में आए या ना आए, लेकिन आप दोनों के रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर जिसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती है वही ज़्यादा तकलीफों का कारण बनता है। अक्सर इंसान को वही बातें याद रह जाती है जिन्हें वो वास्तव में भूलना चाहता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। विपरीत स्वभाव वाले कपल का रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक टिकता है। समय के साथ इनकी एक दूसरे को समझने की क्षमता भी मजबूत हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके पास कोई राज है तो लोग आपके बहुत पास बैठना चाहते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, इसका मतलब ये है कि अब आप वो नहीं करते जो उनको पसंद है। जब कोई आपके सबसे अच्छे दोस्त की ज़िंदगी में कोई नया दोस्त आ जाता है तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एक लड़की कभी यह पसंद नहीं करती कि उसे किसी दूसरी लड़की से कंपेयर किया जाए। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी किसी को फोर्स मत करो कि वो आपकी केयर करे या आपसे प्यार करे, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपकी केयर खुद ही करेगा। सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करोगे। आप किसी को जितना अधिक भाव देंगे वे आपको उतना ही कम महत्व देंगे। आपको खोने से नहीं डरेंगे क्योंकि वे जानते हैं चाहे कुछ भी हो आप दूर नहीं जाएंगे। आप उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचोगे। कभी भी किसी को आपका अनादर करने में आसानी महसूस ना होने दें। पहले अपने आप को प्यार करो।